मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि इस बात को मीडिया पे भी लाइए ताकि इस बात का कोई समाधान निकल सके और मैं सुकून की जिंदगी जी सकूँ। जी आप लोगों को प्रणाम। मैं प्रतीक्षा उपाध्याय परसा मुंडा जिला गाजीपुर से हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे घर वाले जोर जबरदस्ती शादी करा रहे थे, वो शादी मंजूर नहीं था। मैं बोली कि मैं ये शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं जिस लड़के से बात करती थी मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती थी। मैं घर में बताई कि मैं लंबा शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी जहाँ तक मेरी मम्मी उस लड़के से मिली थी तो ये घर में बातचीत किए, लोग तो मना कर दिए कि तुम्हारा लंबा शादी हम लोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये लोग चित कर बैठे थे कि 13 जुलाई 2023 को तुम्हारा सगाई कर देंगे। उसके बाद मेरे गांव के एक रहने वाले भैया हैं जो मेरे घर पे आते जाते हैं, उनको ये मेरी लव स्टोरी के बारे में मालूम चला तो वो बोले कि ऐसा है कि तुम घबराओ मत, चलो हम तुम्हारा मंदिर में शादी करा देते हैं, उसके बाद जो होगा हम देख लेंगे। बोले कि ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी। उसके बाद वो कष्टहनी मंदिर करम दीनपुर शादी करा दिए मंदिर में ले जा कर के। उसके बाद शादी हो गया तो हम अपने घर पे रह रहे थे। 22 जून 2023 को शादी हुआ। उसके बाद हम अपने घर रह रहे थे, मेरे हस्बैंड अपने घर पे रह रहे थे। और उसके बाद ये लोग चित कर बैठे थे कि हम तुम्हारा सगाई करेंगे ही। तो फिर उस बात को लेकर हम परेशान रहते थे तो उन्होंने बोले कि ऐसा है कि ये लोग तुम जीत कर बैठे हैं, तुम अपने हस्बैंड के साथ बाहर चले जाओ, शायद इससे तुम्हारा सगाई रुक जाए, नहीं होगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो उसके बाद उनके कहने पे हम अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाने के लिए सोच लिए कि ठीक है हम चले जाएंगे। फिर वो हमें जो हमारा शादी कराया है हमको बोले जाने के लिए, वही हमें लेकर पहले लखनऊ गए। वहाँ पे फ्लैट जैसा रूम था, वहाँ पे हमें रूम पे मतलब छोड़ के अपने मालूम है कहाँ चले गए, हमें रूम से बाहर नहीं निकलने देते थे। दिन भर में एक दो बार आ जाते थे, खाना पीना दे करके चले जाते थे। उसके बाद 10 जुलाई 2023 को मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए, बातचीत किए, बोले कैसा है कि आप बनारस आइए, मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। तो हम बनारस लेकर गए वहाँ। उसके बाद वहाँ से हम दोनों को ट्रेन पकड़ा है गांधीनगर जयपुर के लिए। उसके बाद हम लोग गांधीनगर जयपुर चले गए। फिर जब मेरे को मालूम चला कि मेरे घर वाले उल्टी सीधी कर रहे हैं मेरे बारे में, मेरी बातों मतलब मेरे को लेकर के, तो उस बात को भी लेकर परेशान रह रहे थे हम। और जो भैया कराए भी और बोले भी जाने के लिए, वही पता है हमें कैसे तुम्हारे घर वाले उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और थाने में बात पहुंच गई है, तुम आ जाओ। तो हम वो फ़ोन कर रहे थे तो हम जैसे में कि हम फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे टेंशन की वजह से, तो उल्टी सीधी बातें बोलने लगे, फिर गालियां देने लगे। तो हम एक दिन बात नहीं किए। उसके बाद उनके भी घर से फोन कर मतलब जाने लगा, उनके पापा उनके छोटे भाई फोन करने लगे कि ऐसा है कि तुम दोनों चले आओ, बात थाने तक पहुंच गई है। तो हम लोग घर पे चले आए, तो मेरे हस्बैंड मेरे घर तक छोड़कर अपने घर में चले गए। तो 24 जुलाई 2023 को मैं अपने घर पे आ गई। उनको 25 जुलाई थाना में बुलाया नहीं गया, वो लोग मेरे थाने से कुछ मतलब पुलिस लोग गए वहाँ उनको पकड़ के लाए। तो हम वहाँ पे गए थे तो वो लोग बोले कैसा है प्रतिज्ञा कि तुम बिल्कुल घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मेरे थाने पे घुस भी लोग खा रहे हैं, इधर से भी पैसा ले रहे हैं, उधर से भी। मेरे हस्बैंड को जेल भी भेज दिया गया है, करीब 15-20 हज़ार तक पैसा ले लिया है लड़कों वालों से, और हमारे तरफ से भी पैसा लिया गया है, हमारी बुआ दी है तो उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इस बात को मीडिया के बीच लाइए ताकि इस बातों का समाधान निकल सके और इस बात को मतलब मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी रह रही हूँ, ताकि वो जेल में है, मैं घर पे हूँ और बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं जा रही हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी बताना मतलब बता रही हूँ कि मेरी लव स्टोरी कैसे शुरुआत हुई। तो हम जैसे स्कूल में पढ़ती थी जनता जनार्दन इंटर कॉलेज गांधीनगर, उसी स्कूल के प्रिंसिपल के ड्राइवर थे, उनको लेकर जाते आते थे और मैं उसी स्कूल में पढ़ती थी। तो मेरे स्कूल में जैसे में कि कोई करीब 1.5 साल पहले अमृत महोत्सव था, उस फंक्शन में मैं भी प्रोग्राम में भाग लेती तो उसमें
मेरा फोटो क्लिक किया तो मैंने बोली कैसा है कि मेरे व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर दीजिएगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कर देंगे, तो कर दिए। उसके बाद मैसेज से बातचीत होने लगा, करीब 2 साल से रिलेशनशिप में हम थे और बातचीत करते करते इतने दिनों से बात ही कर रहे थे, बात शादी तक मतलब शादी का भी बातचीत हम लोग करने लगे कि हम लोग शादी करेंगे। और उसके बाद मैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रह रही थी अपने घर वालों से भी और हर तरह से, तो बोले कि ठीक है हम तुमसे शादी कर लेंगे, हमें साथ में लेकर कहीं भी घूमने जाते थे तो साथ में लेकर जाते आते थे घूमने के लिए। और मेरे हस्बैंड का नाम गौरी शंकर यादव है और मेरे ससुर जी का नाम दीप नारायण यादव है और मेरा ससुराल बबेली जिला गाजीपुर। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि इस बात को मीडिया के बीच लाइए ताकि इस बात का कोई समाधान निकल सके और मैं सुकून की ज़िंदगी जी सकूँ।